नमस्कार। पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कमर की चर्बी को कम करने के लिए करेंगे कुछ बैठने वाले आसन। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों टांगे सीधी करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दायां घुटना मोड़े, दायां पांव बाईं जंघा के नीचे, बायां घुटना मोड़े, बायां पांव दाईं जंघा के पीछे आसन पर रखें। अब बाएं हाथ को दोनों हाथों से ग्रिप बनाए, श्वास भरते हुए बाई तरफ देखें, गर्दन को बाई तरफ घुमा दें, बाई ठोड़ी बाई कंधे के साथ लगा दें। कमर गर्दन पर सुंदर प्रभाव, वापिस आ जाएं। दोनों टांगे सीधी, ये क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बायां घुटना मोड़े, बायां पांव दाईं जंघा के नीचे, बायां घुटना मोड़े, दायां घुटना बाईं जंघा के पीछे आसन पर रखें। अब दाएं घुटने को दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, गर्दन को दाईं तरफ घुमाकर दाईं तरफ देखें, आपकी ठोड़ी दाएं कंधे के साथ लग जाए। वापिस आ जाए। आपकी कमर पर गर्दन पर सुंदर प्रभाव। दोनों टांगे सीधी कर लें, श्वास की राह सामान्य कर लें। करेंगे वक्रासन। दायां घुटना मोड़ के दायां पांव बाएं घुटने के पास आसन पर लगा दें। दायां हाथ पीछे से पीछे, बाएं हाथ को दाएं घुटने के पीछे से निकालकर बाएं घुटने को छूने का प्रयास करें। गर्दन को पीछे ले जाएं, नीचे की तरफ देखें। वापिस आ जाएं। कमर गंदर पर बहुत सुंदर खिंचाव, बहुत सुंदर प्रभाव। यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बायां घुटना मोड़ के पैर को दाएं घुटने के पास आसन पर लगा दें। बायां हाथ पीछे से पीछे, दायां हाथ बाएं घुटने के पीछे से निकालते हुए दाएं घुटने को छूने का प्रयास करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, पीछे की तरफ देखें। वापिस आ जाए। दोनों टांगे सीधी कर लें, श्वास क्रिया सामान्य कर लें। नमस्कार।